हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माई चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू। हम युगल तूबा और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। कौन सी आपकी विश जो है, व्हाट विश इज़ कमिंग ट्रू फॉर यू, कौन सी है जो आपकी वो विश जो पूरी होने वाली है बहुत जल्द इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। कौन सी आपकी ये जो विश है, आपका ड्रीम है, आपका सपना है, आपकी दिली मुराद है, आपकी दिली हाजत है, या आप जो चीज़ भी जिसके लिए विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, या कोई चीज़ आपके लिए सरप्राइज़ हो सकती है, गुड न्यूज़ हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड आपके लिए हो सकती है, क्या है वो गुड न्यूज़, क्या है वो विश जो आपकी पूरी होने वाली है, व्हाट विश इज़ कमिंग ट्रू फॉर यू। वेरी क्विक एंड फास्ट रीडिंग टू द पॉइंट, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि क्या चीज़ आपकी लाइफ में चेंज होने वाली है, कौन सी आपकी विश पूरी होने वाली है और किस एरिया में आपकी लाइफ की ये जो विश है वो पूरी होगी। ये जनरल रीडिंग है, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे, और जो चीज़ नहीं करेगी लेट इट गो, वो आपके लिए नहीं है, वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है। आज की जो रीडिंग है उसमें आपको 3 पाइल्स नज़र आ रही हैं, और आपको जो है यहाँ पे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं जो आपने सिलेक्ट करने हैं, लेकिन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से भी आप कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। ये जो कार्ड नंबर 1 है विद द एप्पल कार्ड, इस पाइल में 1 to 10 आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है तो ये आपके लिए होगा, 11 to 20 फ्लावर के साथ ये आपकी रीडिंग होगी, 21 to 31 ये स्टार वाली विश अपॉन द स्टार, तो ये आपकी पाइल होगी कि आपकी कौन सी इन तीनों पाइल्स में से आप अपने डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से भी जो है पाइल को चूज़ करेंगे, उसमें आपके लिए मज़ीद आपको एक्यूरेसी या एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप डेट ऑफ बर्थ से नहीं पिक करना चाहते, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है इंट्यूटिवली, आप उसको पिक करके कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जितना आप चैनल को सपोर्ट और अप्रिशिएट करेंगे और वीडियोस को सपोर्ट और अप्रिशिएट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए, आप ही की रिक्वेस्ट पे मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक्स जो आपको पसंद हैं वही लेके आया करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए चैनल को, लेट्स गो जी। ग्रुप नंबर 1, वेलकम। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 और आपने ये एप्पल चूज़ किया है, तो देखते हैं आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी और आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे। सो वी हैव द सन, आप लियो हो सकते हैं, या आप जो भी आपकी इस वक्त विश है वो आपकी डेफिनेटली यहाँ पे येस का कार्ड है, तो वो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, आपको खुशी मिलेगी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ बच्चे को लेके भी हो सकती है, रिलेटेड हो सकती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या आप अगर बच्चों को लेके, अपने बच्चे को लेके कोई परेशान है तो उसमें भी हो सकता है। और जो नेक्स्ट आपकी विश पूरी होने वाली है वो आपकी वेकेशन हो सकती है, शायद आप कहीं वेकेशन पे जाएं, ट्रैवल पे जाएं, आप कहीं खुद जा रहे हैं एडवेंचर पे, या बच्चों के साथ पिकनिक पे, फैमिली पे ट्रिप भी हो सकता है। ये आपकी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट की भी निशानी है, ठीक है। अगर आप किसी अपनी हेल्थ को लेके या किसी की हेल्थ को लेके परेशान हैं तो ये विश भी आपकी पूरी होने वाली है। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज़ है प्रेगनेंसी के लिए, और ये प्रेगनेंसी आपको 1 to 9 वीक्स या मंथ्स के अंदर, या हो सकता है सेप्टेम्बर अक्टूबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, या नेक्स्ट ईयर जनवरी में, ओके। और हम देखते हैं आपका लेटर ए हो सकता है, या डबल ए आपके लेटर में आता है, ओके। और यहाँ पे एक अनदर कार्ड हमारे पास है, वो भी 19 की बात करता है, तो 19 19 10 10 की यहाँ पे बात करते हैं। जब हम इसको ऐड करें तो आप हो सकता है 10 10 देख रहे हैं, और 10 जो नंबर है वो काफ़ी ग्रोथ और सेलिब्रेशन और सक्सेस की बात करता है। और यहाँ पे क्लॉक है, तो ये अनदर कार्ड है यहाँ पे क्लॉक का, तो डिवाइन टाइमिंग है। ये चीज़ आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइमिंग पे होगी, कुछ लोगों के लिए जल्दी, कुछ लोगों के लिए देर से, लेकिन जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है ये वो चीज़ है, ठीक है। वी आल्सो हैव रेकूल प्रॉब्लम सॉल्वल, तो हो सकता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगी, जिस चीज़ को लेके भी आपको टेंशन है वो चीज़ आपकी जो टेंशन है वो दूर होगी, हेल्थ को लेके, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, या अपने किड को लेके, या प्रेगनेंसी को लेके, वो आपकी जो विश है, जो भी है आपके, जो भी है वो डेफिनेटली आपकी पूरी होगी। आप में से कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, खुद आपका बिजनेस होगा सेल्फ मेड, और अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं अपने लिए तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, और टाइम के साथ ही आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और बैलेंस मिलेगा। मुझे लग रहा है कि आप आगे चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और फाइनली आपको ये चीज़ें होती भी नज़र आएंगी, चेंज नज़र आएगा आपको अपनी लाइफ में, बैलेंस होता हुआ नज़र आएगा, जो टेंशन वाला टाइम है वो गुजरेगा, और फाइनली आप एक अच्छी सिचुएशन में होने वाले हैं, एक अच्छी पोजीशन में होंगे, या स्टेबल जगह पे होंगे। वी आल्सो हैव अ क्रो, तो आप हो सकता है क्रो बहुत देख रहे हैं, ये पास्ट लाइफ की भी बात करता है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ या पास्ट चीज़ें जो हैं वो आपको इस वक्त, कुछ चीज़ें हैं जो आपको न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जा रही हैं, ठीक है। और पास्ट आप हो सकता है आपकी एज 22 7 37 हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए 28 हो सकती है आपकी एज, डजेंट मैटर, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ इंट्यूटिवली पिक कर रही हूँ, तो हो सकता है ये आपकी एज है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मेमोरीज़ हैं जो आपको काफ़ी हर्ट कर रही हैं, या आप
आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकता है किसी फ्रेंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ. कुछ लोगों के लिए ये फैमिली के इश्यूज़ भी हैं जो रिजॉल्व होंगे. कोई है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है या ऊपर वाली जो सोर्सेज हैं, अगर आपने किसी को लॉस्ट किया है, आपने किसी को खोया है, तो उस इंसान की वो इंसान हमेशा आपके साथ है. तो ये आपके लिए एक मैसेज है मैं आपको बताना चाह रही हूँ. आप में से कुछ लोग आपको खुद को इंट्यूटिवली पावर्स आपके अंदर आएंगी या पिक करेंगे, या आप खुद अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे जो आपको आगे तक लेके जाएंगे. लेकिन आप काफ़ी, मुझे लग रहा है कि जो चीज़ भी आपकी लाइफ में इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको क्लियरली या क्लेवर तरीके से या स्मार्ट तरीके से उसको सॉल्व करेंगे और निकल जाएंगे इस सिचुएशन से. और आपको फाइनली उस मे बी उस सिचुएशन को आपको क्लेवर और स्मार्ट तरीके से हैंडल करना है. ये आपके लिए मैसेज है. ठीक है, अब टैरोट से देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी कौन सी विश जो है वो पूरी होने वाली है. ये तो ओरेकल्स कार्ड थे. अब टैरोट डेक से देख लेते हैं आपकी क्या विश पूरी होने वाली है. लेट्स सी. लेट्स सी, अगर सन आपके फिफ्थ हाउस में है तो आपकी डेटिंग लाइफ में चेंज आएगा, रोमांस में चेंज आएगा, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलेगी या प्रेगनेंसी. सन अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो वो आपके अपनी अपेयरेंस में, आपके अपने लाइफस्टाइल में चेंज आएगा. सन अगर आपके सेवन्थ हाउस में है तो उसमें आपको, मुझे लग रहा है कि आपको इस साल की बात करी हूँ, इस वक्त की बात करी हूँ. अगर सन आपके सेवन्थ हाउस में होगा, आप अपने चार्ट को खुद देखिए गूगल पे कि इस वक्त सन आपका कहाँ पे है, आपका सन साइन कौन से हाउस में है, सन कहाँ पे है. और अगर आपका सेवन्थ हाउस में है तो आपके रिलेशनशिप्स में चेंज आएगा. ठीक है, पार्टनरशिप में चेंज आएगा या सोशल सर्कल में आपकी लाइफ में चेंज आएगा. ठीक है, और अगर सेकंड हाउस में है तो आप जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं या हेल्थ से रिलेटेड जो क्राइसिस हैं उसको लेके आप इम्प्रूव करेंगे. ये चीज़ आप लोगों के लिए एक मैसेज है. और अगर आपके टेंथ हाउस में है तो ये आपके करियर को चेंज करेगा. मैंने जैसे कहा, आपको पॉपुलर बना सकता है, सक्सेस बना सकता है, एक अच्छा पावरफुल स्ट्रांग इंसान बना सकता है. यह तलेसम, दिस इज़ हैंग मैन. तो यह चीज़ें स्टक हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, ये फिर टाइम की बात हो रही है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिले हैं, लेकिन आपको मिलेंगी ज़रूर आपके ही डिवाइन टाइमिंग पे, आप ही के जो ऑब्वियसली किस्मत में यूनिवर्स ने लिखा है, ऊपर वाले ने लिखा है, उसी मर्ज़ी से होगा, खुदा की मर्ज़ी से. तो जब तक तब तक आपका पर्सपेक्टिव जो है चीज़ों को लेके चेंज होना चाहिए और सरेंडर करना चाहिए. जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, प्लीज़ उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, और जो चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं उनको हील करने की कोशिश करें. ये आपका मैसेज है यहाँ पे. या सेवन ऑफ कप्स, आप ओवरवेलम्ड हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, सोच के, या आपको लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं किस तरफ जाऊँ, या आपको समझ नहीं आ रही किसी कैरियर को चूज़ करने में या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ये जो चीज़ भी है. और अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तब भी आपको समझ नहीं आ रही कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है. वी हैव ए चरखा ए फलक. सो ये डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करते हैं. मुझे लगता है कि आप काफ़ी लकी रहने वाले हैं कुछ मामलों में, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या आपको एक रास्ता दिखाया जाएगा, और आपने एक डिवाइनली गाइडेड, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ पे हैंगमैन है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको उस अपनी ट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए, मुझे लगता है यूनिवर्स आपको गाइड करिए कि इस तरफ इस चीज़ को चूज़ करो, इस तरफ जाओ, ये तुम्हारे लिए ठीक है, ये आपके लिए ठीक है. ठीक है, तो आपके टाइम चेंज होने वाला है, आपका जो टाइम है वो चेंज होने वाला है. आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किस्मत से ये अपॉर्चुनिटी मिलती है या टाइम आता है, आपका टाइम भी आएगा और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आप उसको कैसे यूज़ करते हो ये अब आप पे डिपेंड करता है. अगर आपने ये टाइम वेस्ट कर दिया तो बस गया. फोर ऑफ सॉर्ड्स, आप में से कुछ लोगों को रेस्ट और हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है आप ओवरवर्क कर रहे हो, स्ट्रेस हो, या आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं जो आप काफ़ी अरसे से डील कर रहे हो. तो मैंने जैसे आपसे कहा, टेंशन से निकल के आप फाइनली रेस्ट की तरफ, हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपकी लाइफ में ये फाइनली चेंज आएगा, टाइम चेंज हो रहा है आपका. टू ऑफ स्टाफ्स, यस, ये यहाँ पे फ्यूचर की बात करता है, फ्यूचर प्लानिंग की बात करता है कि आपने क्या सोचा है. फ्यूचर को लेके इतना स्ट्रेस मत हो, लेकिन रेडी रहें कि जब भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप क्या डिसीजन लेंगे, आप क्या करना चाहते हो, क्या आपके माइंड में है, जो आपके माइंड में चल रहा है उसको रियल कैसे बनाना है, उसको फॉलो कैसे करना है, उस प्लान को रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है कि आपको ये सक्सेस मिले या आपका लाइफ चेंज हो जाए. अगर आप पाइसिस सेजिटेरियस हैं तो आपकी लाइफ में भी चेंज आने वाला है, और अगर आप लियो भी हैं तब भी. सन मून राइजिंग, स्पेशली अगर आपका सन है इन प्लेसमेंट्स में, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है.
आपको डेफिनेटली एक रास्ता निकालना है, निकलना है स्मार्ट तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है. और यहाँ पे है मलिका ऑफ स्टाफ्स, ये क्वीन ऑफ वांड्स है. तो यस, आप डेफिनेटली इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और अपनी लाइफ के डिसीजन, अपनी लाइफ का कंट्रोल अब आपके हाथ में होना चाहिए. और अगर आप नहीं करेंगे, स्टिल किसी और पे कोडिपेंडेंट है, ओवरवेल्म्ड है और चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, तो आप डेफिनेटली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. आपको अगर खुद एंटरप्रेन्योर हैं, आपका खुद का कोई बिजनेस है, या आपके अंदर कोई क्रिएटिव टैलेंट है, तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे लग रहा है कि अपना टैलेंट शो करने का, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का. और अगर आप ऑलरेडी सेल्फ मेड हैं, आपका अपना बिजनेस है, तो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, नज़र आएगा चेंज, नज़र आएगा सक्सेस मिलेगी यहाँ पे आपको. लेकिन आप में से कुछ लोग एट ऑफ सोर्ड्स और सेवन ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली इस सिचुएशन को भाग रहे हैं, या आपको लगता है कोई शॉर्टकट होना चाहिए. शॉर्टकट कुछ नहीं है, आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते. आप मेंटली भी हो सकता है भाग रहे हैं. अब आपके माइंड को थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो फ्यूचर को लेके या पास्ट को लेके जब भी कोई परेशान होता है, तो वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ ही जाता है, या स्ट्रेस की तरफ ही जाता है. चाहे आप पास्ट में रह रहे हैं, चाहे आप फ्यूचर की तरफ टेंशन में हैं. सो लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए. ये आपके लिए एक जो आपकी विश है, वो ये पूरी होने वाली है कि आप ग्रोथ की तरफ जाएँ, अपने आप को खुश करें, अपने इनर चाइल्ड को, या अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लें. और पास्ट वाली मिस्टेक्स को दोबारा मत रिपीट करें. इट्स टाइम टू लेट गो. इट्स टाइम इस डार्क एनर्जी से निकल के चेंज की तरफ बढ़ें और अपने माइंड को रेस्ट करें. और यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अपने लिए रास्ता खुद बनाएं. इससे निकलेंगे आप, इस सिचुएशन से निकल सकते हैं. ये सब कुछ आपके अपने पास है, आप कर सकते हैं. यू कैन डू इट. ठीक है, किसी की हेल्प भी ले सकते हैं आप. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप किसी पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उस इंसान से मशवरा करके भी आप हेल्प ले सकते हैं. अगर नहीं कर सकते, तो अपने लाइफ के डिसीजन खुद लें. और जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिलेगा. सो टेक रेस्ट, अपने दिमाग को रेस्ट दें, क्योंकि आप इस हेल्थ के इश्यूज़ आपके बढ़ते जा रहे हैं, या आप काफ़ी ओवरथिंक कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज़ को. अगर आप सिंगल हो, तो आपको शादी की टेंशन हो सकती है, ये लोग आपको इर्द गिर्द प्रेशर दे रहे हैं. तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, वाई आर यू वरीड, आप परेशान क्यों हैं, यह चीज़ आपके कंट्रोल में तो नहीं है. या अगर बच्चा नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी नहीं है, या जॉब नहीं है, तो इस वक्त उसका अपॉर्चुनिटी ढूंढिए क्या है. जो चीज़ें कुदरत के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. जो आपके कंट्रोल में है, उन चीज़ों को कंट्रोल कीजिए अपने माइंड को, और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें कि आप क्या कर सकते हो, बजाय कि आप अपना टाइम वेस्ट करो. लेकिन आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और वक्त के साथ साथ आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा. और ये चीज़ मुझे आपकी लाइफ में चेंज होती भी नज़र आ रही है. ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, तो आप स्टिल उसी सिचुएशन में स्टक रहेंगे, और आप नहीं निकल पाएंगे इस सिचुएशन से. ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये फ्लावर चूज़ किया है और आपकी डेट ऑफ बर्थ 11/21/20 है, तो वेलकम ऑन योर रीडिंग 11/20. तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आपकी विश पूरी होने वाली है, क्या चेंजेस आ रही हैं, और आपका क्या पूरा होगा सपना, ड्रीम. वी हैव अ 4 of Wands. यस, तो कुछ लोगों के लिए शादी के यहाँ पे चांसेस हैं. 4 of Wands शादी के ग्रैंड चांसेस हैं. अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यूनियन होने वाली है यहाँ पे. ये इंसान एरीज हो सकता है, या इस इंसान का वीनस एरीज में हो सकता है. यहाँ पे कम्युनिटी में भी आपको नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी सोशल होने वाले हैं, आप सोशल बटरफ्लाई होने वाले हैं. काफ़ी सारे लोगों से आप मिलेंगे. आप हो सकता है अपना होम भी चेंज करें, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है. कम्युनिटी चेंज करें, लोग चेंज करें, शिफ्टिंग कहीं कर सकते हैं आप, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है. या आपका जो एग्जिस्टिंग घर है, उसमें आप रेनोवेशन कर सकते हैं. कुछ चेंजेस आ सकती हैं आपके घर में, घरेलू लाइफ में. और अगर आप सिंगल हैं, यू विल गेट मैरिड. यहाँ पे रिश्ता आने के, या शादी, इंगेजमेंट, प्रपोजल आने के चांसेस हैं. अगर आपकी नहीं हो रही, तो आपके घर में किसी की होगी, लाइक सिबलिंग्स की, बहन भाई की, या कजन्स की, अगर आपके साथ रहते हैं तो. यहाँ पे कम्युनिटी में भी आपका इंपॉर्टेंट रोल नज़र आ रहा है. आपको किसी इवेंट पे भी बुला सकते हैं, जहाँ पे आप जाएंगे, या आपको कोई रिवार्ड मिल सकता है. आपने अगर अब तक कुछ अचीव किया है, तो उसकी वजह से आपको डेफिनेटली लोग अप्रिशिएट करेंगे. आप अपनी कम्युनिटी में भी पॉपुलर हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. नाउ लेट्स सी, और यहाँ पे क्या है. वी हैव कॉफिन, डेथ, लॉस, इनएक्टिव, फॉरगॉटन. तो डेफिनेटली ये कॉफिन है, तो परमानेंट चेंज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंडिंग्स की बात कर रहे हैं. आपकी आपका डेफिनेटली एक बिग मूव आ रहा है आपकी लाइफ में. किसी की डेथ हुई है, तो उसके बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो गई है. ठीक है, या चेंज होने वाली है. आप कहीं शिफ्ट करेंगे परमानेंट, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है. वी हैव द सन, ब्राइटर ऑफ लाइफ. तो लियो एनर्जी आप हो सकते हैं, या आप लियो के साथ डील कर रहे हैं, या स्कॉर्पियो. समर सीज़न में आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होने वाली है. यहाँ पे सन पॉपुलैरिटी की भी बात करता है, हैप्पीनेस की भी बात करता है. कुछ लोगों के लिए आप खुद अपने आप को पास से और ट्रॉमा से हील करने वाले हो, छोड़ने वाले हो किसी चीज़ को हमेशा पीछे पीछे के लिए, और परमानेंट चेंज आ रहा है.
आपका किसी के साथ ब्रेकअप भी हो सकता है विद अ सन कार्ड, आप फाइनली अपने आप को चूज़ करें और अपनी खुशी को, और आप डिसाइड करोगे कि किसी के साथ डिवोर्स भी हो सकती है आपकी, या आपकी अगर डिवोर्स पहले हुई थी तो आप उस चीज़ को हील कर रहे हो, अब आप एक अच्छे रिलेशनशिप में जा रहे हो, या आपकी शादी दोबारा हो सकती है अगर आप डिवोर्स हो, आप विडो हो, आपने किसी की डेथ देखी है, किसी का लॉस हुआ आपके हस्बैंड या वाइफ का, या आपकी फैमिली में किसी का लॉस हुआ, लेकिन अगर आप विडो हो, आप डिवोर्स्ड हो, तो आपकी लाइफ में अब खुशी आएगी। ये सेकंड मैरिज आपकी हो सकती है, या आप किसी अच्छी जगह पे बढ़ने वाले हो, आपकी लाइफ में बिग चेंजेस आने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी के भी यहाँ पे चांसेस हैं, और मुझे यहाँ पे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है कि आप कहीं ट्रैवल भी करेंगे। वी हैव अ माइस, आपकी एज 24, 21, 31, 28, 38 हो सकती है, या आप जिस इंसान के साथ डील करें उस इंसान की एज हो सकती है माइस या। तो यहाँ पे माइस जो है वो इलनेस की बात करता है। कुछ लोगों के लिए आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, या आपने किसी को खोया है किसी डिजीज़ की वजह से, किसी की बीमारी की वजह से आपने उस इंसान को खो दिया, तो आपको ये मैसेज है यहाँ पे कि वो इंसान आपके साथ है, क्योंकि वो इंसान बहुत करीबी था आपका, आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, या आपका बहुत ही करीबी इंसान था, तो वो इंसान कहीं ना कहीं आपके अंदर मौजूद है या आपकी लाइफ में है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस भी हो सकता है जिसको आप रिलीज़ करेंगे, और फाइनली आपका इनर चाइल्ड हील होगा और आप अपने आप को खुश करोगे। आप यहाँ पे हैप्पीनेस, सक्सेस और पॉजिटिविटी को चूज़ कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप देख, डेफिनेटली फेयर से निकल रहे हो, डर से निकल रहे हो, या आपने कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में, अब ऐसे लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप छोड़ रहे हो पीछे। वी हैव अ मर्करी, द मैसेजेस मैसेंजर ऑफ द गॉड, वी हैव द मैजिशियन, यस। तो आप अपनी लाइफ में मर्करी है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप हो सकता है कहीं पे आपका एडमिशन हो सकता है जहाँ पे आपको परमानेंट चेंज होना पड़े, या आपको अपने घर से कहीं दूर जाना पड़े, या शिफ्ट करना पड़े, ठीक है। आप कम्युनिटी में भी कहीं, जैसे मैंने आपसे कहा आपके अंदर कुछ स्किल है, कोई टैलेंट है, आप कोई सोशल मीडिया पे कहीं काम करते हो, या आप सोचने के लिए कुछ कर रहे हो सोचने के लिए, डू इट, ओके। आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज करने वाले हो, आपकी लाइफ बिल्कुल टोटली कम्प्लीटली चेंज होने वाली है, और इवन लोग भी देखेंगे इस चीज़ को कि आपके पास, क्योंकि आप मैजिशियन हैं तो आपकी लाइफ में कोई चेंजेस भी आ सकती हैं। आपके पास कोई ऐसा टैलेंट हो सकता है जो आपको ऊपर वाले ने दिया है, या आपको फाइनली रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर ये टैलेंट है, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। आपको किसी से कम्युनिकेशन भी मिल सकता है, ठीक है, और ये इंसान पास से हो सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हो गई, या आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है जो वापस आपकी लाइफ में आ सकता है कम्युनिकेशन करने, आपकी यूनियन हो सकती है, आप खुश हो सकते हैं दोबारा, अगर ये वो इंसान है जिससे आप लव करते हैं और आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के लिए स्टिल रेडी हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर आपका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, आपकी कोई सेपरेशन नहीं हुई, कोई डिवोर्स नहीं हुई, कोई रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ, तो जो इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है या आ रहा है, उसकी लाइफ में डेफिनेटली उस इंसान ने बहुत स्ट्रगल देखी है, या ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुई है, या इस इंसान ने बहुत किसी को खोया है, ये इंसान काफ़ी दुख और तकलीफ़ के बाद अब फाइनली खुशी की तरफ बढ़ रहा है, जो कि आप हो। आप हो सकते किसी नए इंसान से भी मिलें, किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, या आप रिलेशनशिप में जाने वाले हैं ऑब्वियसली, या कोई पास से भी वापस आ सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके अंदर परमानेंट चेंज आ रहा है, आप दोबारा ऐसे लोगों को चांस नहीं देना चाहते। तो आप टैरोट से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, क्या आपकी विश है जो पूरी होने वाली है। आप अपना सोल पर्पज़ भी ढूंढेंगे। वी हैव अ सेवन ऑफ स्टॉप्स, या सेवन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि अब आप अपने पीस के लिए किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे, आप बहुत सारे लोगों को ब्लॉक करेंगे, आप बहुत सारे लोगों के साथ हेल्दी बाउंड्रीज बनाएंगे जो कि आपको बनानी चाहिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यस, सी विक्ट्री एंड सक्सेस। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता, सक्सेस आपकी होगी। जैसे मैंने कहा, कोई अचीवमेंट हो सकती है, कोई आपको यहाँ पे अप्रिसिएशन अवार्ड मिल सकता है, कोई प्रमोशन मिल सकती है अपने वर्क में, बिजनेस में, जॉब में, या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो बहुत आपको फेमस कर देगा, सक्सेस कर देगा, कम्युनिटी में आपका नाम होगा, लोग आपको जानेंगे, और काफ़ी सारे लोग जेलस भी होंगे क्योंकि वो ये देखेंगे कि आपको ये चीज़ क्यों मिल रही है। या फोर ऑफ स्टॉप्स, ये शादी भी हो सकती है, जो आपकी शादी होगी तो धूमधाम से आपकी शादी होने वाली है बहुत जल्द, फोर टू सिक्स मंथ्स के अंदर। कुछ लोगों के लिए प्रपोजल 4 to 6 months के अंदर आएगा, और कुछ लोगों के लिए 4 to 6 weeks के अंदर। यस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये भी ये डबल कन्फर्मेशन है, फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट या लवर से होगी,
या ऐसा इंसान जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है, और ये जो शादी होगी वो बड़ी धूमधाम से होगी, बड़ी खुशी से, और आपके सिर्फ अपने करीबी लोग इसमें शामिल होंगे जो वाकई आपकी खुशी में खुश होंगे। आप कुछ अचीव भी करोगे, सक्सेस भी आपको मिलेगी, जो चीज़ आपको चाहिए थी वो चीज़ आपको मिलेगी। जैसे मैंने आपसे कहा, आप कुछ होम की सेलिब्रेशन भी करोगे, आप कहीं होम शिफ्ट कर रहे हो, तो ये सिर्फ आपकी अपनी सक्सेस है जो आप सिर्फ डिज़र्व करते हो। या फूल कार्ड है, आप एरीज हो सकते हो, एक्वेरियस, लियो, सैजिटेरियस, या आप स्कॉर्पियो हो सकते हो, या जेमिनी या वर्गो। तो यहाँ पे फूल है, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग, मैंने जैसे आपसे कहा, आप कहीं आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हो, या आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो जो आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, आप अपने आप को फ्री करने वाले हो, ठीक है। और अब आप किसी की तरफ नहीं सुनने वाले, सिर्फ अपने आप को खुश करने वाले हो, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको आपने रिस्क लेना है, आपने अपनी लाइफ को खुद डिसाइड करना है, क्योंकि मुझे लगता है आपको एंजल की प्रोटेक्शन है, और जिसको आपने खोया है उस इंसान की प्रोटेक्शन भी आपके साथ है। अगर आपका कोई डिजीज़ वन था, जैसे लॉस हुआ है आपका, तो वो इंसान आपके साथ है, क्योंकि यहाँ पर डेथ जो है, और ये मौत है, मौत, और यहाँ पर डेथ है, कॉफिन। तो डेफिनेटली इस इंसान के जाने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो गई है, या वो इंसान इवन इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी आपके साथ है, तो उस इंसान की दुआएं, प्रेयर्स, और वो इंसान आपके साथ है, प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, गाइड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, हील कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, डेथ और ये फूल भी यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की बात करता है, तो आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है, रिकन्सिलिएशन होने वाली है, या आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा, इतना खुश कर देगा कि आपने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि आप ऐसे लोगों पे अटके हुए थे जो टॉक्सिक थे, और फाइनली आपको समझ आएगा कि ये इंसान आपके लिए बना था, ये इंसान आपकी किस्मत में लिखा था, इस इंसान को आपने मिलना था। क्योंकि हो सकता है आपको परमानेंटली इस इंसान की जगह पे शिफ्ट होना पड़े, इस इंसान के घर में शिफ्ट होना पड़े, या आप परमानेंटली कहीं शिफ्ट हो रहे हो, तब जाके आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपको खुश करेंगे, आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आपकी कम्युनिटी में होंगे, सोल कम्युनिटी से होंगे, सोल ट्राइब से होंगे। यहाँ टेन ऑफ वांड्स है, यस, जहाँ पे भी आप हैं आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप पे बढ़ सकती हैं, मुझे लगता है, या आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जो है वो फ्री करने वाले हो। आपकी डेफिनेटली कोई विश पूरी होने वाली है, और चीज़ें आपके लिए चेंज होने वाली हैं। अगर आप फाइनेंशियली किसी चीज़ को देख रहे थे, तो उसमें भी आपको चीज़ें आपकी स्ट्रगल के बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद, इतने चैलेंजेस के बाद आपको मिल सकती हैं। आप ऐसे कुछ लोगों ने जॉब छोड़ी है, या आप जॉब छोड़ दोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कोई चीज़ न्यू मिलने वाली है, या आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो अपनी लाइफ में, या अपना कुछ स्टार्ट करने वाले हो। यस, मुझे लगता है विद द टेन ऑफ कॉइन्स एंड फाइव ऑफ स्टॉप्स, तो जो चैलेंजेस हैं वो आपको फैमिली में सामना करना पड़ेगा। लोग अगेंस्ट होंगे, आपके फैमिली के लोग आपसे जेलस होंगे, अगेंस्ट होंगे, ड्रामा है, कन्फ्लिक्ट है, या जिस जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है उस इंसान के फैमिली में काफ़ी कंपटीशन हो सकता है, या आप जहाँ पे भी वर्क के लिए जा रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन होगा, लेकिन आप प्रूव करेंगे अपने आप को और ये सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन ये फैमिली भी नज़र आ रही है जो कि टॉक्सिक लोग हैं आपकी फैमिली के, वो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे, या फैमिली के रिलेटिव्स हैं, लोग हैं, यू नो, वो नहीं चाहेंगे कि आपको ये खुशियाँ मिलें, और मुझे लगता है आप ऐसे लोगों का ब्लॉक करने वाले हो, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का है उसमें ऐसे लोग सिर्फ इन्वॉल्व होने चाहिए जो आपकी खुशी में खुश हों, आपकी सक्सेस में खुश हों, ना कि आपको लेट डाउन करें, या आपके साथ मुकाबले करें, आपके साथ आपके पीठ पीछे बातें करें। ऐसे लोगों को ब्लॉक करना, ऐसे लोगों को कट करना ज़रूरी है जो आपकी लाइफ में कुछ नहीं, सिर्फ आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस लेके आते हैं, टॉक्सिक हैं, जो अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से आपकी लाइफ में हैं, और आप ऐसे लोगों को कट करेंगे। और यहाँ पे है आशिकान लवर्स, तो या यूनियन, ट्विन फ्लेम के साथ, सोलमेट के साथ, लेकिन इस लव में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, ये इजी नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान को छोड़नी पड़ेंगी। और कुछ लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी होने वाली है, डेफिनेटली यू विल परमानेंटली चेंज एंड गो इनटू अ नेक्स्ट रिलेशनशिप, एक नेक्स्ट आपकी लाइफ का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो बिल्कुल आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। कोई आपकी लाइफ में वापस भी आ सकता है, लेकिन आप, हो सकता है आपके पास चॉइस है न्यू लव की या ओल्ड लव की, तो कुछ लोगों के लिए चॉइस भी होगी, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 से 31 है, वेलकम। और आपने स्टार चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आप लोगों की कौन सी विश पूरी होने वाली है और कौन सी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी परमानेंटली। वी हैव द वर्ल्ड, फिर हमारे पास स्टार्क, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एक्टिव, रिन्यूअल, प्रेगनेंसी, बर्थ, सिलेंडर, टॉल। तो आपकी किसी के साथ रिकन्सिलिएशन हो सकती है, और यहाँ पे वर्ल्ड है, मैं आपको नहीं दिखा रही बिकॉज द कार्ड इज़ नेकेड। तो जिस चीज़ की आपको विश थी वो आपकी विश पूरी होने वाली है, किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आपका कार्मिक साइकिल एंड हुआ है, या आपकी एंडिंग हो गई और आपको लगा आप दोबारा इस इंसान से नहीं मिलेंगे, बात नहीं करेंगे, तो ये इंसान आपकी लाइफ में रिकन्सिलिएशन के तौर पर आ सकता है।
टाल हो सकता है ये इंसान, ये इंसान वो हो सकता है जिसके साथ आपकी प्रेगनेंसी होगी, आपकी शादी होगी, फ्यूचर आगे बढ़ेगा, ये इंसान आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने आ रहा है, चेंज करने आ रहा है, ट्रैक्स है आप में से कुछ लोग, आपको अपना फाइनली रास्ता नज़र आएगा कि अब आपने अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, ग्रोथ कैसे करनी है, चेंज कैसे लाना है, किसी चीज़ पर फोकस होंगे आप और उसी की तरफ आपने बढ़ते जाना है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। आप कहीं ट्रैवल भी करेंगे, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। वी हैव द फॉक्स, तो यस मुझे लग रहा है कि कोई कोई है जो आपके साथ डिसीटफुल था, ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था, तो इस इंसान की असली चेहरा आपके सामने आएगा, ये चीज़ आपको नज़र आएगी। समथिंग नॉट राइट, आपको डेफिनेटली इस इंसान के बारे में कुछ लगा था कि विशी वाशी है या कुछ है जो इस इंसान के बारे में आपको सही नहीं लगा, तो वो चीज़ें आपको सही नज़र आएंगी। ये इंसान जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है या आप विद द क्वीन ऑफ एयर द स्टार, और आपने स्टार को ही चूज़ किया, तो कुछ लोगों के लिए आप होंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, पॉपुलैरिटी, फेम, या आपकी विश पूरी होगी, जिस चीज़ के लिए भी आप विश मांग रहे हो, कर रहे हो। विद इन 2 या 4 वीक्स के अंदर वी हैव अ डॉग, यस, और यहाँ पे फॉक्स भी है, डॉग भी हो सकता है, आप डॉग ईयर में पैदा हुए हो, या जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है वो डॉग ईयर में पैदा हुआ है, ये चीज़ हो सकता है। यस, आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो आपका फ्रेंड बनेगा, लॉयल फ्रेंड से आप मिल सकते हो किसी से जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, एक अच्छे दोस्त से, एक अच्छे मतलब पार्टनर से भी आप मिल सकते हो, क्योंकि डॉग यहाँ पे लॉयल फ्रेंड या लवर हो सकता है या रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है अपना पेट अडॉप्ट करो, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आपका सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर होगा क्योंकि यहाँ पे सोलमेट नज़र आ रहा है। आपका रिलेशनशिप शायद फ्रेंडशिप पे पहले स्टार्ट होगा, और यहाँ पे वर्ल्ड है तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, तो देख लेते हैं वर्ल्ड भी। या कोई है चीज़ जो आप अचीव करोगे, सक्सेस अचीव करोगे, कोई अचीवमेंट है जिसको आप सेलिब्रेट करोगे, आप हो सकता है कहीं ट्रैवल भी करो क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका रिलेशनशिप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। आपको खुद अपने अंदर काफ़ी होलनेस फील होगी, चेंज नज़र आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि अब सारी दुनिया सिर्फ आपके अपने हाथ में है, आप अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट शायद डिसीजन भी लें। कोई है जो आपकी लाइफ को आएगा और चेंज कर देगा, ये इंसान आपके साथ बहुत अच्छा फेथफुल कंपेनियन और लॉयल रहेगा। इस इंसान की एज 21 हो सकती है या आपकी, कुछ लोगों के लिए नंबर 14, 3, 17, 18 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस इंसान की, या 21 को ये इंसान पैदा हुआ होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ लेट्स सी टैरोट से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या चेंजेस आ रही हैं, आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। या एट ऑफ कॉइंस, फाइनेंसिस चीज़ों इम्प्रूव होंगी, मुझे लग रहा है कि आपका जो हार्डवर्क है वो पे ऑफ होगा, आपको सक्सेस मिलेगी, चेंज नज़र आएगा, जो आपने मेहनत की है उसमें आपको डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। 7 of cups यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हैं, या जिस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज हैं उसका आपको रास्ता नज़र आएगा, डिसीजन आपको करना पड़ेगा। 3 of wands, यस, किसी ऐसे इंसान का आपको इंतज़ार है जो आप मिलना चाहते हैं किसी से, या जो आपका इंतज़ार है वो फाइनली ख़त्म होगा, जिसका भी आपको इंतज़ार था या जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने आपसे कहा लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, कोई है जो आपसे बात करना चाहता है और आपका फ्रेंड बनना चाहता है, या इवन आपकी आपका क्लोज रिलेशनशिप आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है, डेट करना चाहता है, या इवन फैमिली की प्लानिंग करना चाहता है, या आपसे फैमिली आपकी फैमिली से मिलना चाहता है, ये चीज़ हो सकती है। आप में से कुछ लोगों को फाइनेंशियली चीज़ें इम्प्रूव नज़र आएंगी, आपको सक्सेस मिलेगी। मलिका ऑफ कॉइन्स, यस, मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली अगर सिंगल हैं, आप रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, रिश्ते में जाने वाले हैं, आपका रिश्ता हो सकता है, प्रपोजल आ सकता है कहीं से, और आपकी फैमिली के थ्रू ये रिश्ता हो सकता है, या फैमिली आपकी इस इंसान की फैमिलीज के थ्रू, आई डोंट नो। आप अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, फायर साइन, एयर साइन भी है, यहाँ पे हैवी अर्थ साइन है, तो डेफिनेटली आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने वाले हो, चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, आपको खुद को सक्सेस मिलने वाली है आपके वर्क में, आप हो सकता है कहीं शिफ्ट भी हो, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, फैमिली के साथ या फैमिली के साथ आप कहीं जाओगे। यस, टेंशन हो सकती है आपको किसी चीज़ को लेके, या जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ये इंसान काफ़ी स्ट्रेस हो सकता है, समझ नहीं आ रही इस इंसान को, या कोई आपसे बात करना चाहता है। 9 of swords एंड 8 of swords, कम्युनिकेशन किसी की तरफ से आपको मिल सकता है, कोई आपसे बात करना चाहता है, क्लियर करना चाहता है कुछ वो गलत फहमियाँ, ये डिसीटफुल, ये डिसेप्शन थी, ये इंसान काफ़ी सोच रहा है कि आपसे बात कैसे करे, आपकी अटेंशन कैसे ले, या
आप उनको समझोगे या नहीं समझोगे, मतलब इस तरह की एनर्जी है आप दोनों के दरमियान में। इंसान काफ़ी स्ट्रेस हो सकता है, अगर आप स्ट्रेस थे तो मुझे आपका अब फाइनली चीज़ें इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए। यहाँ पे अदल है, ये लिब्रा एनर्जी है, तो ये इंसान लिब्रा हो सकता है या अदल है। यहाँ पे जस्टिस है, तो किसी ने जो भी ये दोस्त था या जो भी ये पार्टनर था या फैमिली मेम्बर था, जो भी था ये इंसान, जिसने भी आपके साथ चलाकी की है, ये इंसान अब आपसे माफ़ी मांगेगा। अगर इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है या आपको हर्ट किया है, आपके साथ बेईमानी की है, चीटिंग की है, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान कुछ है, कोई आप अगर किसी नए इंसान से मिलने वाले हैं, जैसा कि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, तो जस्टिस और टेन ऑफ पेंटिकल यहाँ शादी की भी बात करता है, तो आप हो सकता है आपकी लाइफ में बिल्कुल क्लियर पाथ अब होने वाला है कि आपको किससे शादी करनी है, कहाँ करनी है। तो कोई है जो आपकी लव प्रपोजल लेके आ रहा है या आप बहुत जल्द रिश्ते में जाने वाले हो, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी जो भी आपको टेंशन है हेल्थ को लेके, फाइनेंसिस को लेके या फैमिली को लेके हैं, वो इम्प्रूव होने वाली हैं। आपको टाइम पे चीज़ मिलेगा, डिवाइन टाइमिंग, ऊपर वाले का ये प्लान है, जो चीज़ भी आपको मिलेगी ये ऊपर वाले का प्लान है आपके लिए। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय।